कैसे हैं आप सभी लोग। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको मेरी इस खास कारीगरी को देख के टाइम ही नहीं मिलेगा लाइक और सब्सक्राइब करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको लास्ट मैंने इतने दिनों बाद वीडियो इसलिए आई क्योंकि इन सबको बनाने बहुत टाइम लग गया मुझे। ये मैंने पूरी सिटी बना दी, सिटी यहाँ पे होटल है, अपार्टमेंट्स हैं, डायमंड चेस्ट है, इसके अंदर एक ही चेस्ट वो बाजी हमारा ट्रैम्पलिन। चलो थोड़ी बहुत इससे मस्ती हो जाए। मोबाइल की वजह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ग्लिच नहीं हो पाता, नहीं कुछ हल पाता ये, तो देखते हैं। छोड़ इसको बंद करो, ये साइड में आके बार बार ऐसा करना पड़ता है, फिर भी मजा आता है। ये उसकी वजह क्रिएटिव में सर्वाइवल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना, डैमेज नहीं पहुंचेगा पर टाइम लग गया जादू छोड़ने में, कम इधर उधर हो क्योंकि वो सीधे उतनी ऊपर सब फ्रीडम पे करेगा, डैमेज मिलेगा, डैमेज मिलेगा। ये हमारा प्यारा सा डायमंड चेस्ट जो मैंने इसी ब्लॉक ऑफ डायमंड से बनाया, और ये रहा हमारा प्यारा सा होटल जिसमें इतने डोर हैं पर उतना अच्छे भी नहीं। और ये थोड़ी सी ग्रास है जो बाहर से आता है, उसको ग्रास हर जगह दिखती है तो उसकी आदत सी बन जाती है घास घास, तो हमने उसके लिए छोटा सा घास के लिए जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो घास में खेलना पसंद करते हैं, ये हमारा अपार्टमेंट है पहला। अब बाकी अपार्टमेंट भी ऐसे ही है, मतलब टॉप फ्लोर का अपार्टमेंट थोड़ा बिजनेस मीटिंग के लिए, किसी को मीटिंग करनी है हमारे अपार्टमेंट में रहते हुए या फिर किसी को कुछ अपार्टमेंट बुक करना है, तो ये इसलिए। ये देखो ये वो वाला रूम जो थोड़ा है महनूम, ये वही खास रूम मीटिंग के लिए, यहाँ पे बैठते हैं। ये देखते हैं, ये रही टेबल। ऑर्डर 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 कुछ भी, ये अभी शर्मा जी ने बुक कर रखे है, जब हम इसमें ज्यादा देर नहीं रहेंगे तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं, नीचे वापस चलते हैं। आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर मैं उसकी एक पेंटिंग जो मुझे बढ़िया लगेगा मैं उसकी पेंटिंग बनाऊंगा। देखते हैं आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है, और मेरा फेवरेट पोकेमॉन तो है पिकाचू जिसकी मैंने फोटो बनाई है। आगे चल के आपको दिखाते हैं, ये घर तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था जो मैंने बनाया था, और ये वही घर है बहुत देखो पिकाचू, नहीं ज्यादा ध्यान नहीं देता भी उसकी तरफ। ये है हमारा प्यारा सा घर, ये किराए पे है, इसकी कीमत है कुछ 12 28 डायमंड ब्लॉक्स, जिसको आना सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आ जाइए। बहुत खतरनाक घर है, इसमें आप नीचे जा सकते हैं। ये तो ये बस छोटा सा रूम है यहाँ पे, ये आपकी ड्रेसिंग के लिए है, कोई आप पे हमला कर रहा है यहाँ पे छुप सकते हैं क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है, आपने नेदरराइट का आर्मर पहना होगा, दिखेंगे मीम ये होती है सोच, क्योंकि जो इतने डायमंड दे सकते उस पर नजर ऐड तो होगा ही, समझते हो ना आप भी लोग। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, अब जो मेरी कल की वीडियो होगी उसमें हम यहाँ पे गार्ड्स तैनात करेंगे, गार्ड। ये हमारा घर, ये रहा, अरे थोड़ी सी छोटी सी कैंप फायर। आगे बढ़ते हैं डायमंड रूम, और ये अलग से रूम भी मिलता है किराए पे, ये रूम है कुछ 200 डायमंड्स का पर नाइट, तो यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है, यह सर्विस में आपको रोज खाने को मौसमी मिलेंगी और खीरे और कुछ नहीं मिलेगा, इतना खतरनाक सा घर है ये। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बाथरूम,
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चेयर, ऊपर चलते हैं। ये है, हम किताबें यहीं से फ्रेश शुगर केन लेते हैं, तोड़ते हैं और किताबें बनाते हैं। ये हमारा छोटा सा ऊपर ऊपर पे टेबल, बालकनी, प्यारी सी छोटी सी मोटी सी बालकनी, बालकनी। ये हमारा वो वाला घर, ये तो हमारा वो जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। और ये है हमारा फार्म। सबसे पहले यहाँ पे चलते, एक डाइव मारेंगे नीचे, नीचू से ऊपर चढ़ते हैं, फिर डाइव मारेंगे। चल ऊपर जल्दी से पहुंचे, और ये कूदो कूदो पाम, ज्यादा पानी उछला नहीं, कोई बात नहीं। चेयर, और ये हमारा फार्म जिसमें गेट नहीं है, ये बस दिखाने के लिए है कि यहाँ से फ्रेश खाना आता है। हाँ वो तो आता ही है, पर अभी कोई है नहीं, बस शर्मा जी हैं और महाशय राहुल जी हैं, इसलिए उन्हीं के लिए बस अभी वही दो लोग हैं। अपार्टमेंट शर्मा जी का था, शर्मा जी ने एक और कमरा बुक कर रखा है आगे एक होटल में, छोटा सा कमरा है वो। उनके कोई गेस्ट आ जाता है एक पर्सन, तो वो उसको वहां पे रखते हैं आगे। और ये है हमारा प्यारा सा दूसरा होटल, होटल मोटेल, वो देखो सीप, पता भी नहीं चल रहा था ना ये सीप, यहाँ पे सीप है क्योंकि वो भी ब्लॉक व्हाइट सफेद सफेद। वो वहां पे भी ये शर्मा जी का अपार्टमेंट, ज्यादा देर हम इसमें नहीं रहेंगे, वो रोज गाने सुनते हैं। और रात में 12 बजे करते हुए जैसे आवाज में गाना सुनते हैं। और शर्मा जी कहीं आना चाहिए, जल्दी निकलो यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। और ये है राहुल जी का कमरा, उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया बंद करने। ये सिंगल बेड है, ये थोड़ा सस्ता है। वो शर्मा जी वो वाला घर था 50 डायमंड का, और ये वाला घर है 20 डायमंड का। ज्यादा फर्क नहीं है, बस कुछ ही ब्लॉक्स का फर्क है और बेड का फर्क है। फिर भी सर्विस पावर ही उठती है ना, वो देखो पिकाचू। ये है लेडीज के लिए और ये है मेंस के लिए, इनके आप स्टोरेज कुछ इंटरेस्टिंग करने। ये है वॉशरूम, इसमें नहीं जाते हैं। ये स्टेयर्स हैं, और ये है हमारी प्यारी सी भाषण देने वाली जगह, यहाँ पे हम भाषण देते हैं लोगों को। और ये है हमारा स्टोरेज रूम, यहाँ पे अलग अलग रूम है, सारे रूम लगभग ऐसे ही है, छोटे से कमरे बना कर रखे हैं स्टोरेज के लिए, या कोई अपना सामान छोड़ के चले जाए तो उसके रूम में नहीं रहना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। और अभी कोई है ही नहीं, दो लोग हैं केवल। ये स्टेयर से ऊपर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारी छोटी सी कैंटीन, अब सब मिलता है, बहुत खतरनाक कैंटीन है ये। ये हमारा छोट, ये ऊपर चलते हैं। ये हमारी रूफ, आगे बढ़ते हैं। ये देखो पिकाचू को अच्छे से, आपका फेवरेट पकवान कौन सा, कमेंट में जरूर से भी जरूर बता दीजिएगा। रात में लाइट क्योंकि कुछ और लगाता ना तो होता, तो पिकाचू कलर से मैच नहीं करता, और टॉर्च दूर से दिखती भी नहीं है, सी लाइट होती है, तो इसलिए मैंने टॉर्च लगाया। जमा रेड स्टोन वाला घर, यहाँ पे बहुत कुछ आपको अनोखा मिलेगा। हम स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा घर, ये है हमारा किचन, यहाँ पे खाना भी मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देखो वो बटन दबाया मैंने, पट से फ्रिज खुला, खाना निकल गया। यहाँ ये पावर है, ये पंपकिन पाई जो बना रहे थे शेखर जी यहाँ के कुक, पर वो कहीं गए हैं, वो कुछ सामान लाना था। जो हमारी छोटी सी चेयर, ये टीवी, और ये बटन है लाइट के लिए, ऊपर देखिए, ज्यादा हम ध्यान नहीं करते हैं, लाइट जला देते हैं। आगे बढ़ते हैं,
वो डोरबेल थी और यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते। ओह नो, मैंने गलती से ऊपर वाले फ्लोर पे लगा था। चलो कोई बात नहीं, हम आगे ऐसे निकल जाते। ये है हमारा प्यारा सा एयर वाला पोर्ट, एयरपोर्ट। इसलिए थोड़ा ऊंचा है, तो प्लेन क्रैश हो गया हमारी बिल्डिंग से। तो ये कौन गेट खोले, वहां ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो ये एरो बने हैं। अब आपको पता है कैसे बने हैं, दिखाता हूँ। ये और अब तो उसको मैं बाद में फिक्स करता हूँ, सोर्स से टूटते नहीं। ये देखो ऐसी ये स्टेयर लगी थी, ये स्टेयर और ये आइटम थे वहाँ सामने, वो ब्लॉक बैकस्टोन स्लैब। ये मैं फिक्स कर दूंगा बाद में, ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे कस्टमर्स के बैग्स जाते हैं, जब वो वहाँ पे जाते हैं प्लेन में, तब ये तब के लिए चेकिंग के लिए। काउंटर सेम स्टेयर्स, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा रूम ये है इधर उधर जाने के लिए, जो एयरपोर्ट्स पे होता है। इधर 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 जा रहे हैं, इधर इससे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा कुछ नहीं है, बस ऐसी है डिजाइन के लिए। ये देखो गाने बजते हैं, जो भी जाएगा गाने सुनते हुए जाएगा। तू 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 तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर सीक्रेट वेपन्स हैं, किसी को देखने है? ये देखो, इस डोर तो लॉक है अंदर से, उधर वाला डोर खुला होगा। खुला ये वाला, आगे बढ़ते हैं। ये लॉक लगा दूं कि कोई चोर ना अंदर आ जाए। पता है रात में यहाँ पर पास में ही एक और होटल का मालिक है, वो रात में आज के एक टैंक चुराने जा रहा था, इसलिए तब से मैंने यहाँ पे एक ऑफिस बना दिया कि जो रहेगा देखता रहेगा सब कुछ, और उधर से इधर नहीं दिखेगा पर इधर से उधर देखेगा। ये खतरनाक सा रूम है, और ये वही टैंक है जो शर्मा जी चुराने आए थे, शर्मा जी के दोस्त वो बाजू वाले होटल वाले। शर्मा जी बोले हम जो होटल में थे उनको पता चल गया कि वो चोरी करते, इसलिए वो हमारे होटल में आ गए। उन्होंने एक बार आरोप लगाना चाहा तो वही मैंने टक टक लगा के देख ली। अच्छा तो ये इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं हमारे प्लेन्स, और सामने हमारा वॉच टावर। यहाँ पे पैसेंजर फील, मैं घुसे कहाँ कहाँ घुसे जा रहा हूँ मैं। चले आगे बढ़ते। हमारा सेशन कंप्लीट, तो आगे थोड़ा सा और अगली वीडियो में। गुड बाय।